सब ठीक ठाक हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर डीमन लव मूवी के बारे में। ये चाइनीज मूवी है भैया। इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। गूगल पे तुम सर्च करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किस मूवी का जॉनरा क्या होने वाला है कोई डिटेल्स मिलती नहीं, लेकिन अपन किस लिए है यही तो बताने के लिए है तुम लोगों को। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में। भैया एक फेरी टेल फ्लावर्स की दुनिया है जिसमें उनकी मलकाएं वगैरह होती है और वहां पर एक शैतान होते हैं जो उन पर हमला वगैरह करते रहते हैं। तो हमें वहाँ पर एक लड़की देखने को मिलती है कोची नाम की, जो कि इस दुनिया में आती है यानी कि पृथ्वी पर एक धर्म ग्रंथों को ढूंढना होता है जिसके पीछे वो शैतान भी पड़े हुए होते हैं। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। तो 1 घंटा 45 मिनट के आसपास टाइम देना पड़ता है। तो देखो अगर तुम्हें चाइनीज मूवीज ऐसी देखना पसंद है तो ये मूवी तुम देख सकते हो। यानी कि तुमने ऐसी मूवीज और भी देखी होंगी कि भैया मूवी स्टार्ट होती है शुरू में ये लोग लड़ने लग जाते हैं, कोई इधर से बिजली टाइप निकल रही होती है, कोई इधर से शैतान आ जाता है और एकदम घमासान लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसी मूवीज तुम्हें देखना पसंद है तो बिना रिव्यू सुने तुम इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन इस मूवी में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी है, यानी कि इस मूवी की जो कि कहानी देखने को मिलती है थोड़ी बहुत आपको कनेक्ट करती है। इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देखने के लिए गुजारा कर जाती है। मैं ये जो अपनी कोची लड़की देखने को मिलती है भैया फ्लावर्स की दुनिया की, भैया ये जो कि पृथ्वी में आती है एक लड़के से प्यार करती होती है, क्या चीज़ें बदल जाती है फ्लावर्स की दुनिया में, टाइम अलग तरीके से चलता है, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। अगर हम इस मूवी के जो कि विजुअल्स हैं वो बेकार हैं, फाइट सीन बस गुजारा ही करते हैं, बाकी जो इसमें डीमन वगैरह बनाए गए हैं जो शैतान बनाए गए हैं वो देखने में ही नकली लगते हैं। तो ज़्यादा सीरियस हो के इस मूवी को देखोगे जो कि तुम हॉलीवुड देखते हो तो तुम्हारे लिए मूवी बिल्कुल नहीं होने वाली। इतना ही बोलने वाला हूँ, चाइनीज मूवी के फैन हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ फाइटिंग देखने को मिलती रहे तो ये मूवी तुम्हारे लिए है, अदरवाइज तुम इस मूवी को मत देखना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 2.5 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते पर खत्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल जाएंगे किसी वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।